सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस जो है, ये मतलब पूरा समझिए, बिहार पुलिस की जो बहाली है ना, ये पूरी एकदम ड्रामा हो रहा है। आप देखिए कि सिलेबस जो है वो 29 पेज का सिलेबस इन्होंने दिया है, ठीक है, टोटल 29 पेज का सिलेबस है। इस सिलेबस में देखिए आप ध्यान से, तो ऐसा सिलेबस है जैसा कि बीपीएससी के भी नहीं होते, दरोगा के परीक्षा के नहीं होते। इस तरह की सिलेबस कहीं कोई सिलेबस होती है यार? मतलब एक जनरल कंपटीशन के लिए सिलेबस एक बनाओ एक तरीके का। हर स्टेट में एक स्टेट पुलिस की वैकेंसी आती है, कांस्टेबल लेवल के लोगों को बहाल कर रहे हो आप, और उसके लिए इस तरह का सिलेबस, मुझे तो कहीं से समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह की सिलेबस कैसे बनाई गई है। ये देखो 12th लेवल का टोटल चीज़ है इसमें। देखो हिंदी में देख लो आप लोग, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, पूस की रात कहानी पढ़नी है, कविता की परख करनी है, वैचारिक निबंध है, स्मरण है, संस्मरण है, फिल्म पर निबंध है, चलचित्र यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, ये इस तरह सांस्कृतिक निबंध है, कहानी भाषण है। ये क्या यार, ये पूरा मतलब मुझे तो पूरा ये ड्रामा लगता है। मतलब जो कहा था ना इन्होंने कि 30 नंबर आएगा, मिनिमम 30 नंबर लाने हैं तभी आप पास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी को 30 नंबर भी आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो अलग बात है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो 30 नंबर लाने लायक भी नहीं है अगर नेगेटिव मार्किंग रख दिया जाए तो। ये इस तरह के सिलेबस थोड़ी है। आप लोग छात्र संघ के नेता वगैरह से मिलिए, कुछ बात कीजिए, अपील कीजिए कि इस तरह की सिलेबस जो है वो अब इतने कम समय में, एक महीना पहले आपको इस तरह की सिलेबस, देखो एक महीना बच गया आपके पास समय, 15 तारीख से जैसा कि बता दिया मैंने पिछली वीडियो में एडमिट कार्ड आ जाएगा, 15 तारीख से मतलब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 15 को और 22 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड तो ये 23 तारीख को आ जाएगा। तो ये सब पूरा देख लीजिए कि विद्यापति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पद्य घट पढ़ना है, कबीर के बारे में, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल, जायसी, यार ये इतनी चीज़ें पढ़ना कितना आसान काम थोड़ी है। और इसके लिए किसके लिए? सिर्फ बिहार पुलिस के लिए? इससे अच्छा है ना कि आप लोग मतलब SSC वगैरह की तैयारी करें, कुछ उसका जो सिलेबस आसान है। ऐसा सिलेबस तो कहीं नहीं देखा गया है जो इस तरह की सिलेबस है। ये पूरा आप लोग को मैं अवेलेबल करा दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा ये सिलेबस पूरा। देखिए, प्रिपेयरिंग नोट एंड राइटिंग समरी ऑफ अ गिवन पैसेज, कम्प्रिहेंशन एंड अनसीन फैक्चुअल इमेजिनेशन पैसेज है उसका। देखिए, रीडिंग ऑफ टेल्स शॉर्ट स्टोरी, ये पूरा 12th लेवल का है सब कुछ। पहले क्या था, अपोजिट वर्ड्स निकालने थे, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जिसको बोलते हैं, इस तरह के थे कुछ फ्रेज थे, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, वो सब तो कुछ है ही नहीं। अब ग्रामेटिकल आइटम स्ट्रक्चर में देख लीजिए क्या क्या है। अब पैसेज देंगे वो आपको, प्रिसीज, ठीक है, ऑफ गिवन पैसेज, उसमें से निकालना है, कॉम्प्रिहेंशन होगा। इतना फास्ट और इतना हार्ड क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी नहीं है। ये तो सब्जेक्टिव टाइप का जहाँ एग्ज़ाम होता है उस तरह की सिलेबस है ये, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का थोड़ी होता है। अब देखो गणित का, देखो समुच्च संबंध फलन, गणितीय तर्कशास्त्र, बूलियन बीजगणित, अनुक्रम श्रेणी, सम्मिश्र संख्या, द्विघात समीकरण, व्यंजक, ये पूरा 12th लेवल का। त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, शंकुखंड, ये क्या कर रहे हो यार, ये बच्चे कैसे पास करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि एक कांस्टेबल लेवल का बंदा जो कांस्टेबल के लिए भर्ती करना चाहता है अपने आप को, वो इस तरह के सिलेबस के लिए तैयार होगा। और इस तरह के सिलेबस के लिए अगर वो तैयार है तो वो कांस्टेबल में जाने के लिए कभी एग्री नहीं होगा, उसकी इतनी प्रिपरेशन होगी कि वो BPSC UPSC को फेस करे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये वीडियो जो पूरा हमने बनाया था वो इसी पे बनाया था। आप टोटल देख लीजिए, कोई भी देखिए, ये भूगोल का सिलेबस देख लीजिए, ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, अर्थ, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, तो ये सारे जो है वो 12th स्टैंडर्ड का है। काफ़ी हाई लेवल का सिलेबस दे दिया इन्होंने, कभी भी इस तरह का सिलेबस नहीं होता है। आपको कंपटीशन फेस करना है, बच्चों से आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप 10th लेवल का पूछो, अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड का पूछो, जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं। आपने एलिजिबिलिटी 12th कर दी है वो ठीक है, लेकिन 10th लेवल के बच्चों के लिए आप सवाल उससे पूछो कि 10th लेवल का सवाल कैसा होता है, उसके हिसाब से सवाल पूछो। आपको उसमें कट ऑफ हाई जाएगा तो जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप रीजनिंग के लिए रीजनिंग का ऑप्शन डालो। आप जैसे SSC कांस्टेबल GD की भर्ती करता है, कभी आप SSC के सिलेबस को देखो उठाकर, आपने कभी कोशिश भी नहीं की। ये जो चयन पार्षद है इसने कभी कोशिश ही नहीं की कि अदर बोर्ड जो है वो कैसे भर्ती करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बिहार है तो इसका क्या मतलब यार, इतने टफ बच्चे
कैसे जवाब देंगे इतने टफ क्वेश्चंस का, इतने टफ सिलेबस से कैसे तैयार करेंगे बताओ। पूरा ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो टेंथ लेवल की हैं जो मैच करती है, लेकिन कहीं से भी ये पूरी चीज़ें पढ़ पाना इतना आसान थोड़ी है। आप ठीक है, ये पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा तो पूरा आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। देखिए टोटल जो है 29 पेज का सिलेबस है, तो मैं अभी मैं 20 पेज पे ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बट वही है, तुक्का चलेगा इस बार, जिसका तैयारी तो नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोग को पसंद तो नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें जिस तरह की चीज़ें हैं उससे आप लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको अभी तक पता नहीं है। एक और बात, मार्केट में जितने भी नोट्स मिल रहे हैं या जितने भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, वो कोई भी इस सिलेबस के बेस्ड पे नहीं है। इस पैटर्न पर कोई भी सिलेबस, इस पैटर्न पर कोई भी बुक्स जो आपको वो अवेलेबल नहीं हो रही है, कोई भी नई बुक नहीं आई है, सब पुराने सिलेबस पर बनी हुई है। और आप बिल्कुल भी उसको ना पढ़िए, ना ही उसको खरीदिए, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप कुछ चीज़ें जो सिलेबस को फॉलो करके पढ़ सकते हैं जो आपके लिए बेटर हो सकता है, और बाकी तुक्का लगाइएगा, क्या कीजिएगा। थैंक यू सो मच।